हाँ तो भाई कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। दोस्तों अभी एक टूर्नामेंट चल रही है और उसके अंदर भाई साहब अपनी टीम टॉप 32 के अंदर आ चुकी है। तो आज मैं आप लोगों को टॉप 32 का जो मैच है ना वो बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ। क्या लगता है जीतने वाले हैं या फिर हारने वाले हैं वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन उससे पहले भाई सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं कराए तो, और वीडियो पसंद आती है भाई लाइक भी कर देना। दोस्तों यहाँ पर पहला अटैक आ चुका है सामने से, फिलहाल देख लेते हैं इस अटैक को। भाई साहब मन्ना के बेस के ऊपर करा जा रहा है ये अटैक। अरे भाई साहब क्वीन चार्ज सुपर ड्रैगन के साथ अटैक है। चलो देखते हैं क्या कर पाता है। बाकी इसकी जो क्वीन है वो तो बिल्कुल सही से काम कर चुकी है। यहाँ पर क्वीन को उठा लेगा अभी ये मेरे ख्याल से, क्योंकि स्पेल लाए ना उठाने वाली। ओहो भाई पूरा फनल बनाया भाई बंदे ने, किधर डाला इधर डाल दिया। चलो क्वीन इधर आ गई इसकी, पहला अटैक है। अगर पहले ही अटैक फेल हो जाए तो थोड़ा सही रहेगा अपनी टीम के लिए। बड़ा हरामी हो बेटा। बाकी प्लान तो काफ़ी अच्छा है इस बंदे का, प्रॉपर फनल बना लिया इसने नीचे का। पता है इसके सुपर ड्रैगन आने की नहीं उस साइड। चलो भाई रेज लगा दी आर्मी के ऊपर। ओहो बिलिम्प डाल दी है, बिलिम्प पहुँचाना चाह रहा है टाउन हॉल पर, पहुँचा पाएगा। ओह क्लोन भी डाली है, फ्रीज कर दिया मोनोलिथ को। वाह मोनोलिथ को जमा के क्या फ़ायदा भाई, फिलहाल तो टाउन हॉल मोनोलिथ गायब हो चुका है। अटैक कुछ ज़्यादा ही सही जा रहा है इस बंदे का ऐसा लग रहा है मेरे को। किंग के पास एबिलिटी है, क्वीन के पास एबिलिटी है, क्वीन के पीछे घोड़ा भी चल रहा है गाइस। अटैक तो पावरफुल जा रहा है भाई, जो बात है रॉयल चैम्पियन बचा के रखी है अभी तक। भाई साहब पूरा बेस ही खोल दिया इसने तो, ट्रिपल ना हो जाए मजे मजे में। रॉयल चैम्पियन चलो आ चुकी है, अटैक तो पावरफुल जा रहा है भाई इसका। देखो लग तो रहा है कि चांसेस हैं ट्रिपल होने के, और एक पॉइजन स्पेल को बचा के रखा है बंदे ने। इसको किधर यूज़ करेगा, मेरे ख्याल से किंग पे डालेगा। चलो देखते हैं, रॉयल चैम्पियन की एबिलिटी आ चुकी है, एक HH भी है भाई साहब। भाई ख़त्म लग रहा है, कौन सी टीम है गाइस ये, कहाँ की टीम है। आते ही पहला ट्रिपल मार रही है भाई, डर सा लगने लगा है भाई एकदम से इस अटैक को देख के। मैं तो ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा भाई कोई हल्की वल्की सी टीम होगी है ना, लेकिन पहला ही अटैक इतना शानदार कर दिया है कि भाई डर लगने लगा है अब तो। चलो देखते हैं क्या रहता है, अभी हमारी साइड से भी ट्रिपल मारना पड़ेगा पहला, वरना मैच में पीछे हो जाएंगे गाइस काफ़ी हम। हमारी साइड से पहला अटैक करने के लिए गोयल आ चुका है। गोयल का अटैक देख लेते हैं क्या कर पाएगा, क्या कर रहा है भाई। भाई साहब ये तो कर रहा है गाइस इधर जैप इलेक्ट्रो टाइटन स्मैश। ओके चलो देखते हैं क्या कर पाता है इसके साथ। अभी बीच में तो सुपर आर्चर बिलिम कर रहा था ये, लेकिन अब भाई साहब ये वाली आर्मी पा गया एकदम से। अबे यार गाइस समझे आप क्या हुआ, मोनोलिथ बच गया यार, बिल्डर हील कर रहा है उसको। चलो देखते हैं अब, जिसको बचना था वो तो बच गया, अब क्या ही कर सकते हैं। बागी अटैक कर भाई। अच्छा FF डालेगा यहाँ पे, हॉकी टेस्टिंग कर रहा है गाइस ये। सही है भाई सही है, मस्त दिमाग लगा। इधर से FF टाउन हॉल निकाल लेगा, मल्टी इन्फर्नो भी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये IT से फनल चल रहा है गाइस, और गोहिल के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव होगा, क्योंकि पहला अटैक ट्रिपल लगा है ना सामने से, तो इसको भी ट्रिपल मारना है। इसके कंधों के ऊपर एकदम से भाई बोझ डाल दिया टीम ने बहुत सारा, कि भाई 3-स्टार ही चाहिए। चलो देखते हैं क्या रहता है। इलेक्ट्रो टाइटन्स आ गए, FF बिल्कुल सही काम कर रहा है इसका, टाउन हॉल निकल जाएगा क्योंकि हॉक की टेस्टिंग हो चुकी है ऊपर, कोई भी इसके लिए नहीं है वहाँ पर। आर्मी इसकी भाई बिल्कुल यहीं पे अंदर घुस जाएगी, क्योंकि वॉल जो है ना वो ओपन है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वार्डन की एबिलिटी देखना पड़ेगा कब लाएगा, रेज लगा दी है, किंग को डाल दिया बाहर से फनलिंग के लिए, और ये मोनोलिथ बच गया है, खामे खाई की मार रहा है आर्मी को, उसी टाइम टूट जाता है ये पता है लाइटिंग स्पेल से, अगर वो बिल्डर हट को भी EQ का डैमेज देता तो। उनने EQ का डैमेज नहीं दिया भाई, एकदम से वो आ गया उसको हील करने के लिए।
चलो भाई मल्टी जमा यहाँ पर। बाकी वार्डन एबिलिटी ने सही यूज़ कर ली थी क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा आ गया था स्टार्टिंग में। गाइस किंग चल रहा है, एबिलिटी यूज़ कर दी है, रॉयल चैम्पियन आ चुकी है सिंगल के ऊपर, सिंगल के ऊपर चढ़ गई है, मतलब सिंगल को डाउन कर दिया यहाँ से। नाइस, मोनोलिथ बचा हुआ है, टाउन हॉल को FF निकाल चुका है और ऊपर है मल्टी, मल्टी को भी निकाल देगा शायद। इस मोनोलिथ का क्या करें, ये मोनोलिथ ने भाई साहब सर में दर्द करके रख दिया है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। अभी गाइज लग रहा है कुछ कर नहीं पाएगा ये, क्योंकि भाई साहब रॉयल चैम्पियन और क्वीन दोनों की एबिलिटी बची हुई है, एक फ्रेज स्पेल है और भाई साहब CC के अंदर से पता नहीं कौन से ट्रूप्स निकलने वाले हैं। क्या लेकर आए अभी पता लगेगा, रुको। एक HH भी है एनिमी किंग के लिए। ओहो सुपर मिनियंस लाया था गाइज, ये तो रॉयल चैम्पियन की एबिलिटी यूज़ कर दी, मोनोलिथ को जमा दिया था। और गाइस गोहिल ने बिल्कुल सही टाइम पे ट्रिपल मार दिया है, नाइस अटैक बोलते। स्कोर दोनों साइड से बराबर हो चुका है, 1-3, 1-3। सामने से अटैक आ चुका है अगला वाला, और भाई साहब ये क्या लेकर आया, सुपर RCF ब्लिम के साथ इलेक्ट्रो टाइटन स्मैश। ओके लेकिन ये कर क्या रहा है, पहले आर्मी चालू कर रहा है, बंदे क्या करते हैं पहले भाई सुपर RCF ब्लिम करते हैं, लेकिन ये कुछ अलग कर रहा है। चलो इसका अलग ही देख लेते हैं कैसा रहता है। ओ बड़ा वाला गोलम भी लिया भाई इसने, चलो आर्मी को यहीं से अंदर घुसाना चाहता है, फनल तो बना के रखा है इसने। बी लिम्प आ गई है गाइस इसकी, देखते हैं कहां तक पहुंचा पाएगा इसको। चलो भाई साहब फिलहाल इसकी बैटल बिलिम्प जो है वो टाउन हॉल पर पहुंच जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई इसे, टोर्नाडो मिला ही नहीं रास्ते में। क्लोन विलोन डाल दिया, इन्वी डाल रहा है, सुपर आर्चर्स इसकी बची हुई है और इसकी आर्मी भाई साहब को समझ नहीं आ रहा कैसे भाग रही है, हर साइड जा रही है इसकी आर्मी। फिलहाल टाउन हॉल तो डाउन हो चुका है, मोनोलिथ मिल पाएगा इसको, चलो देखते हैं। मोनोलिथ का मिलना मुश्किल लग रहा है मेरे को यहाँ से। इनवी ख़त्म, मोनोलिथ बच गया है, किंग चल रहा है, कोइन ऊपर साइड चली गई है। भाई अंधा आर्मी को डाल दिया इसने, मतलब आर्मी कहीं भी भाग जाए। रॉयल चैम्पियन भी चल रही, किंग की एबिलिटी मार दी है इसने और बेस के अंदर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, कवर हो जाएगा क्या, टाइम भी अच्छा खासा है भाई। भाई 2-6 कर दिया ना उन्होंने तो भाई दिक्कत सी हो जाएगी, पता नहीं क्यों इतना हाई स्कोर मारेगी ये टीम, हम तो इसको जानते भी नहीं है गाइस। फिलहाल देखते हैं रहता क्या है, रॉयल चैम्पियन की एबिलिटी यूज हो गई और रॉयल चैम्पियन मरने के बाद जिंदा हो जाएगी क्योंकि आपको पता ही है उसके ऊपर पेट कौन सा है। फिलहाल फेल होगा क्या, अरे भाई साहब किंग ने क्या ही काम करा है हमारे यहाँ पे, हमारे किंग ने मस्त काम कर दिया इधर गाइस। अभी तो ये फेल हो गया, अभी नहीं हो सकता ट्रिपल, ये पेट बचे हैं, पेट क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, 50 सेकंड है। हमारी साइड से ड्रागो आया अटैक करने के लिए, देख लेते हैं ड्रागो का अटैक। फिलहाल ड्रागो क्या कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पर भाई साहब कुछ अलग ही चीज़ लेकर आया है, चलो देख लेते हैं क्या रहता है। बलून्स के साथ टाउन हॉल को निकालना चाहता है। 3 लाइटिंग स्पेल भी लिए हैं, उससे क्या तोड़ेगा ये, चलो देखते हैं अभी। फिलहाल गाइस बलून्स आ चुके हैं टाउन हॉल की साइड, वार्डन एबिलिटी यूज़ कर ली है, रेज लगा दी है वहाँ पे, EQ डाला और लाइटिंग बचा के रखी है। चलो भाई साहब लाइटिंग स्पेल से क्या करेगा, 3 लाइटिंग स्पेल का क्या काम है यहाँ पे। देखो 2 से तो स्वीपर टूटता है ना, आपको ही पता ही है, लेकिन 3 से क्या होगा, चलो देखते हैं अभी। यहाँ पर क्वीन को डाल दिया इसने, क्वीन के ऊपर हीलर्स डाल दिए हैं, किंग को डाल दिया है, किंग के लिए वॉल ब्रेक कर दिया है, 2-2 आइस गोलम लिया यहाँ पर। और भाई साहब यहाँ पर नई वाली जो मशीन है उसको डाल दिया है, बहुत पावरफुल है गाइस ये, किंग की एबिलिटी यूज़ कर ली है, CC आ चुकी है और CC करेगी लफड़ा क्योंकि ख़तरनाक CC है। फिलहाल अटैक तो सही जा रहा है लेकिन ट्रिपल हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो देखना है। और ये लाइटिंग स्पेल मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रही है, काय को लाया है, क्या काम है इन लाइटिंग स्पेल का यहाँ पर। चलो भाई साहब रॉयल चैम्पियन
क्या निकाल पाएगी इतने सारे डिफेंसेस को, नीचे इतने डिफेंसेस रखे हुए हैं। क्वीन की एबिलिटी तो यूज हो गई, क्वीन मर ना जाए यार। अरे यार क्वीन के ऊपर ना एक रेज स्पेल लगनी थी, यहाँ पर क्वीन बच जाती, लेकिन रॉयल चैम्पियन के ऊपर लगाई है वो रेज स्पेल, क्योंकि कोर निकालना चाहते हैं जल्द से जल्द। एबिलिटी यूज़ कर दिया यहाँ पर, चलो कोर तो निकल जाएगा, लेकिन बाकी बेस कैसे निकलेगा वो देखना पड़ेगा भाई। रॉयल चैम्पियन है, हेल्थ काफ़ी कम है उसकी, एक रेज स्पेल है, फ्रीज है। चलो भाई साहब रॉयल चैम्पियन के ऊपर सब कुछ यूज़ करना चाहते हैं, और यहाँ पर इस स्केलेटन स्पेल का बिल्कुल सही यूज़ किया है, थोड़ा सा बैकअप तो मिला है रॉयल चैम्पियन को, लेकिन हेल्थ काफ़ी कम है। आर्चर टावर मार रहा है, जमाना पड़ेगा आर्चर टावर को, थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा पहले जमाना था, क्योंकि हेल्थ काफ़ी कम बची है, बिल्डर हेड मार देगा इसको, पहले जमाते सही रहता। फिलहाल यहाँ पर गाइस ये अटैक तो फेल हो गया। गाइज यहाँ पर स्कोर देख लो, दोनों साइड से बराबर हो चुका है, उनका 90% था, हमारा 94% है, यानी कि हम लोग आगे हैं। तीसरा अटैक आ चुका है सामने से, वो भी मैन विथ जीरो लवर्स के बेस के ऊपर। ओके क्वीन को डाल दिया है, क्वीन को उठा लिया जाएगा। अच्छा क्वीन चार सुपर ड्रैगन अटैक है गाइज, जो सबसे पहले इन्होंने अटैक किया था, जिससे 3 स्टार मारा था, वही आर्मी लेकर आए दोबारा से। तो क्या दोबारा आने वाला है ट्रिपल, चलो देख लेते हैं। अभी फिलहाल क्वीन को उठा लिया है, नाइस। क्वीन को डाल रहे हैं किधर, किधर डालेगा मेरा भाई, डालता का ही नहीं है। अच्छा इधर ही डाला है, जैसे पहले किया था वैसे ही कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर स्केलेटन स्पेल डाला, किंग को डाल दिया, ओके। आर्मी काय चालू ना हो रही, चलो ये आ गई आर्मी, आर्मी भाई स्टार्ट कर दी बंदे ने, और बिलेम को पहुंचाना चाहता है किधर, टाउन हॉल पर। गाइस टाउन हॉल पर बिलेम जाएगी तो टाउन हॉल डाउन हो जाएगा, फिलहाल देखते हैं पहुंच पाएगी क्या बिलेम। टॉर्नाडो तो नहीं है मेरे ख्याल से कहीं भी, पहुँच गई भाई, रेज भी अर्ली लगा दिया बंदे ने, और ये टी लिए थे भाई बंदे ने, लावा को बाहर बुला लिया गया है। और यहाँ पर मोनोलिथ बच चुका है, मोनोलिथ का डाउन होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो आर्मी खा जाएगा ये। मोनोलिथ डाउन नहीं हुआ यहाँ पर, आर्मी तो मरने वाली है। येट यूज ही नहीं करने थे यहाँ पे, अगर ये बलून्स यूज़ करता ना सीसी के अंदर तो टाउन हॉल डाउन होता और सीसी बाहर नहीं आती, ये जो इसकी आर्मी फंसी है ना बीच में, ऐसे नहीं फंसती फिर। चलो भाई सही करा इसने, एटी ले लिए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता कि वो ट्रिपल लगे इनसे। चलो भाई क्वीन को बचा के रखा इसने, कितना परसेंट मारेगा भाई, एक्सबो को जमा दिया है, एक फ्रीज और बची हुई है। गाइस ये तो लो परसेंट चला गया, इनका फेल है। चलो टाइम ख़राब कर फ़ायदा नहीं है, डायरेक्टली आपको लेकर चलते हैं हमारे अटैक के ऊपर। मन्ना आ चुका है अटैक के लिए, मन्ना क्या कर रहा है यहाँ पर, मन्ना यहाँ पर कर रहा है अपना क्वीन चार्ज हॉक्स, ये तो भाई साहब यही करता है, इसके अलावा कुछ करता ही नहीं है अभी। ओ भाई बलून के साथ अंधी बिलिम डाल दी है, पहुँच गई टाउन हॉल पर, वो तो भाई साहब ब्लैक वाली माइंस वगैरह लगा के नहीं रखी थी, वरना तो टाउन हॉल पर पहुँचती नहीं, खुल जाती पहले ही। अंधारिक्स लेता है मन्ना कभी कभी, पता है वो। चलो भाई साहब ईगल ईजिली डाउन हो जाएगी यहाँ पर, क्वीन निकाल लेगी ईगल को, वॉल फोड़ दी है स्कैटर वाली। अबे यार क्वीन नहीं जा रही उधर अभी, चलो अंदर से ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, रेज लगा दी है क्वीन के ऊपर। क्वीन तेरे ऊपर डिपेंड है सारी चीज़ें। एक एचएच आ गया यहाँ पर एनिमी किंग को मारने के लिए, ठीक है भाई अटैक तो सही चल रहा है। हॉगिंग कहाँ से करेगा, सीसी के अंदर क्या है भाई, आर्चर्स निकली हैं अभी, पूरी सीसी तो आई नहीं, पूरी सीसी निकालनी पड़ेगी गाइस। रेज लगा दिया क्वीन के ऊपर, और भाई साहब स्वीपर धकेले जा रहा है यहाँ पर, इन भी डाल दिए क्वीन के लिए, रॉयल चैम्पियन डाल दिए, ऊपर से किंग को घुसा दिया अंदर, यहाँ से हॉक्स आ चुके हैं, एक हील डाल दिया है, वार्डन एबिलिटी होल्ड है, क्या लगता है आपको मार पाएगा बन्ने ट्रिपल, क्वीन की एबिलिटी यूज़ हो गई।
ओहो गाइस कितनी डेंजर सी सी आई है भाई साहब, ये तो आर्मी को रुका देगी, खतरनाक सी सी है गाइस ये तो भाई साहब, ये तो हॉक्स को रुका दे रही है जमा कर। वो भी क्वीन मर गई, रॉयल चैंपियन के पास एबिलिटी है भाई, फंस गया अटैक, बहुत खतरनाक तरीके से फंसा है अटैक, पता है आपको कितना जाएगा ये, काफ़ी मुश्किल लग रहा है मेरे को। देखो यहाँ से ट्रिपल होना है अटैक का, तो ट्रिपल का तो चांस ही नहीं लग रहा है। क्या हो गया भाई? अरे यार मेरा इंटरनेट स्लो हो गया गाइस। गाइज मन्ना का जो अटैक है ना वो 2 स्टार रहा, और यहाँ पर देखो 3 में 7 और 3 में 7 हो रहा है दोनों साइड से। फिलहाल देख लेते हैं इस अटैक को, इस अटैक में क्या कर पाती है सामने वाली टीम। यहाँ पर भाई साहब जेप इलेक्ट्रो टाइटन स्मैश, ओके गोयल ने जिस आर्मी से ट्रिपल मारा है वो आर्मी आ चुकी है सामने से, वार्डन को उतार दिया, वार्डन वो करना चाहते हैं पहले, ओके भाई साहब एंट्री किधर से लेने वाला है, ईगल साइड से एंट्री लेगा ऐसा लग रहा है मेरे को तो। फिलहाल यहाँ पर लाइटिंग स्पेल का यूज़ कर लिया गया है, एक्सबो इन्फर्नो वगैरह स्वीपर वगैरह सब तोड़ दिया, वैल्यू तो अच्छी मिली है लाइटिंग स्पेल के साथ। अब देखते हैं बाकी वार्डन वॉक के अंदर ये कितनी वैल्यू लेना पसंद करेगा यहाँ से। वार्डन वॉक चल तो रही है भाई फिलहाल गाइस, अभी यहाँ पर भाई साहब पूरी आर्मी डाल दी है बंदे ने, 2 हीलर्स बचा के रखी थी उनको भी डालेगा अभी। ओ लॉग लॉन्चर यूज़ कर रहा है गाइस ये तो, चलो देखते हैं। लॉग लॉन्चर लेकर आया, वॉल वगैरह फूट जाएगी, लेकिन जंप स्पेल भी लाया है, लग रहा है कि लॉग लॉन्चर के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है, थोड़ा ही भरोसा है, इसलिए जंप स्पेल भी लेकर आया है। किंग स्कैटर कंपार्टमेंट में घुस चुका है, सीसी ट्रूप्स आ चुके हैं, वार्डन विटी यूज हो चुकी है, वार्डन कोई अलग ही दुनिया में भाग रहा है, इसको रहना था नीचे क्वीन के साथ लेकिन ये तो भाग रहा है ऊपर किंग के साथ, और वॉल यहाँ पर फूट चुकी है, जंप स्पेल नहीं लानी चाहिए थी मेरे ख्याल से, उसकी जगह कोई और स्पेल आती तो ज़्यादा सही रहता। फिलहाल रॉयल चैम्पियन चल रही है, एक फ्रीज है, नीचे से क्वीन चल रही है, और भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज आते हुए आर्मी के ऊपर, ट्रिपल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ना के बराबर चांस लग रहे हैं ट्रिपल के, क्योंकि काफ़ी लंबा राउंड लेना पड़ेगा यहाँ पर इलेक्ट्रो टाइटन को, और इतना वक्त नहीं है गाइस कि इतना लंबा राउंड लेकर आई है। ठीक है, इधर से वार्डन चल रहा है और वार्डन के पीछे घोड़ा आ चुका है, तो ये अटैक तो फेल लग रहा है मेरे को, और अगला अटैक मेरे को करना है अपनी साइड से, तो ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल ही मारना पड़ेगा, जंप स्पेल स्वैग करते हुए किसी काम का नहीं। चलो गाइस ये तो टाइम ही नहीं बचा, फेल ही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अपने अटैक की तैयारी कर लेता हूँ, मेरे को अटैक करना है गाइस। तुम्हारे भाई की बारी आ चुकी है अटैक करने की, मेरे को अटैक करना है बेस नंबर 5 पर, अगर मैं ट्रिपल मार देता हूँ तो भाई 4 में 10 हो जाएंगे, 1 स्टार से लीड में आ जाएगी टीम, तो पूरी भाई कोशिश करने वाला हूँ कि ट्रिपल ही मारूँ। आर्मी देखो भाई इन्फर्नो बेबी ड्रैगन की लेकर आया हूँ, बाकी फेल वेल हो जाए तो माफ़ कर देना गाइस। ठीक है चलो भाई साहब मेरे को स्वीपर तोड़ देना एक, तो सबसे पहले एयर डिफेंस निकाल लेते हैं, ये वाला स्वीपर तोड़ना है। चलो सब ओके जा रहा है, एयर डिफेंस भी आ गया, फनल बन जाए बस सही से। चलो आर्मी चालू करते हैं डायरेक्ट, फनल बन गया बस जितना बनना था गाइस। चलो भाई साहब बिलिम्प टाउन हॉल पर पहुँचे बस, कैसे भी करके पहुँच जाएगी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। रेज लगा देते हैं ताकि टाउन हॉल डाउन हो जाए। चलो भाई टाउन हॉल यहाँ पे डाउन हो जाएगा बस, अब स्पेल्स का खेल है, स्पेल्स मेरे को सही से डालनी है बस, हीरोज़ भी उतारने पड़ेंगे क्योंकि आर्मी बाहर आएगी वरना मेरी, और वो मल्टी तो निकलना ही चाहिए, उस मल्टी को जमाना ही पड़ेगा बैक टू बैक, और कोई ऑप्शन नहीं है वरना मेरे इन्फर्नो बेबी ड्रैगन को मार देगा ये। और हीरोज़ के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, पता है आपको हीरोज़ से बहुत कम वैल्यू मिलेगी मेरे को, क्योंकि ये कंपार्टमेंट बहुत हैवी है रेस्ट टावर के साथ है वो कंपार्टमेंट। मल्टी निकालना था, वो फ्रिज गलत डाल दी, शायद बचा लेता तो भी चलता। चलो भाई फिलहाल ये वाला कंपार्टमेंट बहुत ही हैवी डैमेज दे रहा है मेरे हीरोज़ को, रेस्ट आवर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ गाइस, एक्टिवेट होगा उसके बाद आएगी दिक्कत, तो ये हो गया एक्टिवेट। अब देखो तुम इधर डैमेज मेरे हीरोज़ के लिए कितना है, अब यार क्वीन पिट गई, क्वीन के
कोइन की हेल्थ बहुत कम है, एबिलिटी चली जाएगी, चली गई। चलो सिंगल तो निकल जाएगा। ओहो उसके लिए है भाई यहाँ पर, पॉइजन था मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिगी नहीं मरना चाहिए, बच गया। क्या लगता है ट्रिपल है गाइस? लग तो रहा है कि काम हो जाएगा, बाकी देखते हैं अभी। मिनियन इधर डाल देंगे हम, किधर डालें? कैनन पे सही रहेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं इसके लिए। एक HHS को होल्ड रखते हैं अभी। चलो कैनन टूट जाएगी ये वाली इससे। नाइस, ये तो हो गया गाइस, ये ट्रिपल है भाई साहब। 8 बंदे देख रहे हैं, एंड को भी पता था कि भाई ये अटैक डिसाइड कर जाएगा कुछ ना कुछ, और डिसाइड कर ही गया गाइस। तो ये तो हो गया ट्रिपल, बाकी आप लोगों को क्या करना है आपको पता ही है। तो गाइज यहाँ पर हमारा स्कोर हो चुका है 4-10। गाइज सामने से अटैक आ चुका है, वो भी तुम्हारे भाई के बेस के ऊपर। ओके देखते हैं इस अटैक को। सुपर आर्चर बिलिम, वाओ। चलो भाई साहब देखते हैं इसकी बिलिम कहाँ तक जाती है। ये फंस गई टोर्नाडो में, किधर खोलेगा और कितनी वैल्यू लेगा वो देखना भाई अब। चलो भाई ये यहाँ पर खोल दी भाई लड़के ने, इन्हें भी डाल दिए। क्लोन का ही नहीं कर रहा, ये कर दिया क्लोन, एक क्लोन बचा ली भाई, दूसरी भी डाल दी ये लो। चलो भाई सुपर आर्चर इसकी बची हुई थी, लेकिन 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 अभी मर चुकी हैं, उस टाइम बची हुई थी अब मर चुकी हैं गाइस। ठीक है अब क्या करना चाहता है ये, अब ये भाई फुल पैनिक, समझ रहे हो, फुल पैनिक हो जाएगा अब ये। और गाइस तुम्हें बताइए, तुम्हारे भाई के बेस के ऊपर जब बंदा अटैक करता है तो थोड़ी घबराहट तो होती है बंदों को आजकल। चलो भाई यहाँ पर कैसे रिकवरी करेगा इसको, ये 1-स्टार मारेगा क्या? ये भी परेशान हो गया होगा भाई, क्या करूँ, जिस कंपार्टमेंट में जा रहा था उसमें टेस्ला फार्म रखा है, ये रखा है, वो रखा है। चलो रेस्ट टावर गिर गया, डैमेज आएगा बहुत ज़्यादा, किंग को डाल दिया है। सुपर बारबेरियन डाले जा रहे हैं, टाउन हॉल तो ले जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 38% बेस निकल चुका है। किंग यहाँ पर डैमेज ज़्यादा झेल लेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं उसे, बाकी इसके पास रॉयल चैम्पियन भी है अभी और सुपर बारबेरियंस भी हैं। ठीक है टाउन हॉल एक्टिवेट हो जाएगा मेरे ख्याल से, 51% पर जाता है ना। चलो भाई ये किंग अंदर आ गया, रॉयल चैम्पियन यहीं से दे दी भाई बंदे ने, येल्लो भाई टाउन हॉल हो गया एक्टिवेट, अब तो ले जाएगा टाउन हॉल ही है। हाँ अगर एक्टिवेट नहीं होता तो टाउन हॉल मिस हो जाता। चलो भाई साहब लगभग भाई बंदे को मिल जाएगा 60% के आसपास, शायद मिल जाए, मिलेगा 60, मिल जाना चाहिए भाई 60% तो। हाँ बाहर से डाल लेना परसेंटेज के लिए, ये मिल गया गाइस, 60% आ गया, ये लो 60% हो गया। चलो मेरे को बुरा लगा यार बंदे के लिए। फिलहाल गाइस आगे बढ़ते हैं, आज का फाइनल अटैक आ चुका है, तैयार बाई कर रहे हैं फिलहाल। ये टिबलिम की है स्कैटर कंपार्टमेंट के लिए, कोइन चार्ज हॉक कर रहे हैं यहाँ पर, नॉर्मल वाले हॉक्स लेकर आए, सुपर हॉक्स बिल्कुल भी नहीं लिए इन्होंने। चलो भाई देखते हैं इनका कोइन चार्ज कैसा जाता है। फिलहाल यहाँ पर येटी ने भाई साहब स्कैटर कंपार्टमेंट चलो निकाल ही दिया लगभग, है ना, स्कैटर ही चाहिए था इनको वैसे भी। और ऊपर से भाई फनल चल रहा है, नीचे से कोइन जा रही है। कोइन को किधर ले आना चाह रहे हैं? टाउन हॉल कंपार्टमेंट के लिए वॉल ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि कोइन को अंदर ले आना चाह रहे हैं यहाँ से। और वॉल फूड भी गई भाई, क्या ही रिक्स लिया यार तैयब भाई। चलो भाई फिलहाल यहाँ पर देखते हैं क्या रहता है। कोइन जा तो रही है, सही जा रही है कोइन, बस अंदर घुस जाए कैसे भी करके। चली जा, आ गई, चलो घुस 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 अंदर, घुस घुस गई। एक HH यूज़ किया लेकिन उसकी नीड थी नहीं, यहाँ पर CC निकाल देगा वैसे HH। चलो भाई CC आ रही है, सिंगल को जमाना पड़ेगा क्योंकि लॉक हो गया था भाई कोइन के ऊपर, पॉइजन डाल दिया यहाँ पर। और भाई साहब कोइन यहाँ से क्या टाउन हॉल ले पाएगी, लग तो रहा है ले लेगी। सिंगल को टारगेट कर दिया है, सिंगल इन्फर्नो टेक डाउन हो चुका है। और भाई इधर से डाल दिया है किंग को, एंड यहाँ से भाई साहब हॉक्स, हॉक्स नीचे से चालू कर दिया इन्होंने, लेकिन मैं देख रहा हूँ कोइन टाउन हॉल लेगी नहीं लेगी, ले लेगी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। किंग भी चल रहा है, मोनोलिथ का ही तो डैमेज है बस कोइन के ऊपर, और स्पेल्स तो है ही इनके पास, एनवी भी है, रेज लगा दी। चलो अब तो टाउन हॉल कन्फर्म हो गया यहाँ पर, अब तो आ गया टाउन हॉल। चलो अब टाउन हॉल कोई नहीं रोक पाएगा, हॉक्स इनके यहाँ से चल रहे हैं। और अब हॉक्स तो मर गए इनके, किधर गए भाई हॉक्स इनके? अब
गायब भाई गायब। अबे 25 हॉक्स थे यार गाइस, एक भी नहीं दिख रहा बेस में। 25 हॉक राइडर्स थे यार, किधर राइड करा दी इनको भाई। किंग चल रहा है ऊपर से, सब कुछ मर चुका है, किंग के पास एबिलिटी है। और गाइस फाइनली ये अटैक 2 स्टार हो चुका है। चलो शायद हम लोग मैच जीत जाएं। फिलहाल आप लोगों को लेकर चलते हैं डायरेक्टली फाइनल स्कोर के ऊपर। टाइम खराब कर कुछ फायदा नहीं है, चलते हैं। दोस्तों ये रहा फाइनल स्कोर आप लोगों के सामने, गलती से वाली मैच हम लोगों ने जीत ली है। तो भाई साहब गलती से आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब दबा दो बस। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड लव यू।